हर हर महादेव। आज जो बड़ी यात्रा निकलने वाली है यानी मणिमहेश यात्रा, पहले भी शायद 2 से 3 जत्थे जो निकल चुके हैं, लेकिन आज जो बड़ी यात्रा जो लगभग पैदल उनकी जो यात्रा रहती है, कुछ यहाँ पर लंगर कमेटी के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। हर साल यहाँ पर जो हुड़की पनेजा जो चराला के एरिया, यहाँ पर लंगर लगाया जाता है, रात भर यहाँ पर जो जगरात्रा किया जाता है, क्या आपका कहना है, कितने समय से ये लंगर जो आप यहाँ पर लगा रहे हो? ये जो हमें कोई 10 साल हो गए, 10 साल हो गए सर ये लंगर लगा। जी सर, जय भोलेनाथ। ये हमारा 2010 से लंगर यहाँ चल रहा है बड़ी यात्रा के लिए। बड़ी यात्रा निकलती है तो आज ये हमारे पास आएंगे यहाँ पे लंगर करके, ये भदरवाह के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये 2010 से हम लंगर यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमें काफ़ी बार हमने कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें यहाँ फैसिलिटी नहीं है, काफ़ी चीज़ों की दिक्कत है, पानी नहीं है, कोई पाइप नहीं, हमें अभी भी हम पानी दूर से ढुलान करके ला रहे हैं, बाल्टियों से यहाँ पूरा करना पड़ता है, हमें यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी की फैसिलिटी नहीं है हमें। तो काफ़ी हमने कोशिश की तो हमारी किसी ने आज तक सुनी नहीं है। 2010 से ये लंगर चल रहा है हमारा। चलो इनसे बात करेंगे, क्या आपका कहना है, रात भर जो बारिश रही लेकिन फिर भी हम उत्साह देख रहे हैं, लंगर कमेटी के लोग यहाँ पर हैं, टेंट यहाँ पर लगाया गया है, उसके अलावा बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, सुबह भी बारिश थी, पूरे रात भर बारिश। सबसे पहले मैं जेके मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, आप हर साल हमारे पास यहाँ आते ही रहते हैं, आपका तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी मेंबर कमेटी के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हर लगभग 10 सालों से ये लंगर यहाँ पे, पहले तो पैदल जाती थी लेकिन अब जो मुझे लगता है उधर से आगे जो पैदल जो इनका सफर रहता है, और आप यात्रा के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा, कैसे कैसे यहाँ तक वो पैदल आएंगे, उसके बाद फिर गाड़ियों में जाएंगे। जी, सबसे पहले मैं जेके मीडिया का धन्यवाद करता हूँ और भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो ये छड़ी जो है तो गोश्ती हमारे चराला से निकलती है, तकरीबन ये 10 बजे के आसपास में निकलती है, उसके बाद जब यहाँ पे छड़ी पहुँचती है तो यहाँ से ये पैदल यात्रा पनेजा तक पैदल यात्रा होती है, वहाँ से आगे गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ से आगे गाड़ियों में यात्रा चली जाती है आगे। बहुत शुक्रिया। तो ये लंगर जो पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, कल से यहाँ पर जो लंगर की तैयारियाँ जो चल रही हैं, अभी यात्रा जो बड़ी यात्रा आने वाली है, छड़ी जो आने वाली है, उसके बाद इधर तक वो लोग पैदल आएंगे, उसके बाद यहाँ से गाड़ियों में उनको जो हिमाचल के लिए रवाना किया जाएगा, चंबा के लिए जो रवाना किया जाएगा, फिर उधर से आगे उनकी जो पैदल यात्रा शुरू रहती है। हर हर महादेव।